हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नाज स्टाइल में। आज हम खिचड़ा बनाएंगे, जिसको ज़्यादातर लोग हलीम भी कहते हैं। खिचड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले कुकर में गोश्त को डाल दिया है। अब 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 तेज़पात पत्ता, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 बड़े चम्मच प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चमची तेल डालेंगे। अब इसमें 1 प्याला पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी लगने का वेट करेंगे। 2 सीटी लग चुकी हैं। अब कुकर खोलेंगे। ग्रेवी पक गई है, अब हम इसे बर्तन में निकालेंगे। अब कुकर में भीगी हुई घाट डालेंगे और इसमें सभी तरह की भीगी हुई दालें और थोड़े से चावल डालेंगे। अब इसमें 2 प्याले पानी और नमक डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर बंद कर देंगे और 7 सीटी आने का वेट करेंगे। 7 सीटी लग चुकी हैं। अब इसका ढक्कन खोलेंगे और इसमें ग्रेवी डालेंगे। अब इसमें 2 टमाटर कट करे और 8 हरी मिर्च कट करी हुई डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ढककर 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक तड़का बनाएंगे। पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया है, 1 प्याज और 1/2 चम्मच जीरा को भी फ्राई करेंगे। अब तड़का बन गया है, खिचड़ा पक चुका है। अब इसमें तड़के को डालेंगे। अब इसमें कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। खिचड़ा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।